सुबह हम आप लोग के बतावे चाहते हैं। एक बार शांति से सुन ला, आज आजमगढ़ के बच्चा बच्चा में जो जोश बा, हर माता बहन के आंख में जो स्नेह बा, जो प्यार बा, वह प्यार के देख के आप लोगों के जोश के देख के और हमें भारतीय जनता पार्टी के जितना कार्यकर्ता पदाधिकारी गण हैं, इनका जो जोश के देख के हम एक बात दावे के साथ कह सकते हैं, मोदी जी आगे बढ़ो लो युवा ने लेकर है। इस घड़ी बिगड़ती बेला में संघर्ष हमारा नारा है। तुम आजमगढ़ की बात करो, तुम आजमगढ़ की बात करो, हम वोट से झोली भर देंगे। तुम आजमगढ़ की बात करो, उन्नीस भी तुम्हें जिता देंगे और 12 तारीख को बूथ पे जाकर कमल का बटन दबा देंगे। और ये जोश जुनून हमारे आजमगढ़ के लोगों में दिख रहा है और मुझे बहुत खुशी है। हम बहुत खुश है बात से ही कि हम देश के प्रधानमंत्री के साथ ही खड़ा है, ऐसे प्रधानमंत्री के साथ है जो इन प्रधानमंत्री भैया पूरे दुनिया में अपने देश के ताकतवर बनाने के साथ साथ इतना सूझबूझ वाला आदमी हमें गांव गांव में गरीब के किसान के सबके बारे में अगर सोचे वाला तो इंसान आज हिंदुस्तान में गा तो मसीहा का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी का वोट तो इनके मिलने करी, खास करके हम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कमजोर थी। ठीक है, आज ये हमारे माई बहन लोग हमारे दोस्त मित्र है, अपने जाति के अपने बिरादरी के अपने धर्म के लेकिन एक बार आप लोगों के जाति से उठ के बिरादरी से उठ के धर्म से उठ के एक देश के हित में वोट देने की पड़ी, हिंदुस्तान के हित में वोट देने की पड़ी। वो बात बतावा लो भैया, हम इतना कुछ के इज्जत दौलत शोहरत रुपया पैसा काम धाम तो हम लोग दहले हुआ ना, इतना हमके गांव में भैंस चलावे प्रणी इतना आशीर्वाद देला लोग हीरो बना देला, जीरो से हीरो बना देला तो हम लोग भैया। तो आज जब हमके ही महसूस भेल कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसा हो जो संगठन बनैले हो, बहुत बढ़िया बात है, संगठन बनावे के चाहिए, हर जाति के संगठन होके के चाहिए, यादव का संगठन होके के चाहिए, हरिजन का संगठन होके के चाहिए, कुशवाहा का संगठन होके के चाहिए, ब्राह्मण का संगठन होके के चाहिए, ठाकुर का संगठन, सबका संगठन जरूरी बा। संगठन बनावा, संगठन बनावल गलत बात ना है, लेकिन वो संगठन का उपयोग कहाँ करत हुआ ये जरूरी है। वो संगठन का इस्तेमाल खाली अपने हित में ना, अपने परिवार के हित में ना, देश के हित में करे के चाहिए। तो हम तो हम लोग से इतने कहल चाहते हैं, तो हम लोग हमके इतना प्यार देले हुआ, इतना आशीर्वाद देले हुआ कि जब तो हम लोग के साथ धोखा होला ना तो निरहुआ से बर्दाश्त ना होला। काहे कि देखा तो उन लोग अपन दिमाग लगावा, कोनो जरूरी ना कि फिल्म देखाला तो निरहुआ के वोट देवल जरूरी है, मत दिया, कोनो जरूरी ना, निरहुआ के वोट ना चाहिए, लेकिन सच बात जरूर जानला, सच्चाई का जे
तोके नाम पे बहकौले बा कि हे भैया तू यादव हुआ तो अखिलेश यादव के साथे रहा, जे तोके ई भरमौले कि तू दलित हुआ तो मायावती जी के साथ रहा, बहन जी के साथ रहा। तो एक बार अपन दिमाग लगा लिया लोग, अखिलेश यादव जी पूर्वांचल के कोने यादव के बारे में सोचेला। जब उनके चुनाव लड़ावे के होला पूर्वांचल में तो उनके एक यादव ना लोकल है, अपने परिवार के यादव उनके लड़ावे ला। और जब आजमगढ़ लड़ाई के होला तो अपने बाबूजी के भेज देना चाहे अपने लड़े चलिया हो। आजमगढ़ में अहिर ना हो, आजमगढ़ के लोग पढ़ल लिखल ना हो, आजमगढ़ में जो खेती बाड़ी करत है जो कटिया दुनिया करत है ओके ना पता कि यहाँ का तकलीफ है। तो जब तोहरे गांव का तोहरे घर का खोलन लड़का संसद भवन में बैठी तो ओके पता कि आजमगढ़ के लोगन के कोने बात का तकलीफ है और कौन बात हमके वहां पहुंचावे के है। लेकिन ना बहुत बढ़िया कैला लोग, पिछला बेर नेताजी के श्री मुलायम सिंह यादव जी के जितौला लोग, इनमें हम ना कथे गलत बात है, बहुत बड़ नेता हूँ, अच्छा नेता हूँ। लेकिन उनका मन कहा कहल जा जीतले के बाद एक रहे न कैले। तो जब ये लोग के जीत के होला तो आजमगढ़ याद आवेला, और जब विकास करे के होला, जब बनावे के होला तो सैफई याद आवेला। सफाई के स्वर्ग बनाओ थोड़ा भैया, हाई आजमगढ़ का हमार माई बहन है, हमार भैया लोग तो वोट दे के जीतो ना, इन हम लोग के क्या बनाई पूछिया लोग। जब अखिलेश भैया आई है तो से वोट मांगे तो जरूर पूछिया लोग कि जितौले रही जा नेताजी के, अपन जीत कर सर्टिफिकेट लेवे तक आजमगढ़ ना। अब अखिलेश भैया अब तो बहुत बढ़िया नेता हो, हमार बड़ भाई हो, हम बहुत सम्मान करीला, लेकिन भैया वो जीत के चल गेला तू तो जीत के चल जीवा। ये लोग कहा जाइया लोग। अब दूसरी बात,